दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन चीजों के बारे में हर एक को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं, जिनको देखकर आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। प्लास्टिक कैरी बैग मेकिंग। आप में से हर कोई हर रोज इस बैग का इस्तेमाल करता है। हम बचपन से ही इस बैग का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन बैग्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? इसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी HDPE प्लास्टिक के दानों को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद मशीन को ऑन करके इनको गर्म करके पिघलाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन बैग को तैयार कर देती है। और अब बारी आती है ब्लोअर की, जो कि इसको आपस में चिपकने से रोकता है, साथ ही साथ इसकी शेप को बरकरार रखता है, जिसके बाद अगली मशीन इससे लंबी शीट को साथ ही साथ किनारों से फोल्ड करती चली जाती है और आगे जाकर सारी शीट को एक रोलर पर रोल कर लिया जाता है। अब बारी आती है इसकी कटिंग की, जिसके लिए तीन रोल्स को एक कटिंग मशीन के साथ फिक्स कर दिया जाता है। मशीन इस काम को बड़ी ही महारत और रफ्तार से अंजाम देती है। ये मशीन सबसे पहले एक मखसूस फासले पर लगातार इन रोल्स को कटर की मदद से काटती चली जाती है। ये मशीन ना सिर्फ इन शीट्स को काटती है, बल्कि साथ ही साथ इन बैग्स की दोनों साइड को एक हीटर की मदद से सील भी करती चली जाती है। यानी इस स्टेज पर ये बैग ऊपर और नीचे से बिल्कुल बंद होते हैं। ये मशीन इन बैग्स को एक के ऊपर एक रखती चली जाती है। एक तहशुदा तादाद के बाद एक वर्कर इन बैग्स को उठाकर साइड पर कर देता है। और अब बारी आती है पंचिंग की, जिसके लिए इन बैग्स को एक पंचिंग मशीन की मदद से पंच करके बैग की शक्ल दी जाती है, जिसके बाद इन बैग्स का वजन करके पैक कर दिया जाता है और बाजार में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों, कोशिश करें कि इन बैग्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये आलूदगी फैलाते हैं, जो कि हमारी जमीन और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह है। वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आपने किसी चीज को वॉल या फिर वुड से अटैच करने के लिए कील यानी वायर नेल का इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन वायर नेल्स को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आज करते हैं कील बनाने वाली फैक्ट्री की दूरबीनी। दोस्तों, आपने अलग अलग टाइप्स के और अलग अलग मटेरियल्स के कील यूज किए होंगे, लेकिन इस फैक्ट्री में नेल बनाने के लिए कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। कील बनाने का अमल स्टार्ट होता है एक बड़े से ड्रम पर लिपटी हुई स्टील वायर से। इस स्टील की वायर के रोल का वजन तकरीबन 2 टन होता है और इसका डायामीटर तकरीबन 6 मिलीमीटर होता है। ये वायर कील बनाने के लिए डायामीटर में बहुत मोटी होती है, जिसका डायामीटर काम करने के लिए बहुत से रोटेटिंग व्हील से गुजारा जाता है और रोलिंग से वायर के डायामीटर को काम किया जाता है। अब इस वायर का डायामीटर तकरीबन आधा हो चुका है, यानी के 3 मिलीमीटर। और आपको बता दें कि इससे तैयार होने वाली वायर की टोटल लंबाई तकरीबन 23 किलोमीटर होती है। अब इस स्टील की वायर को एक ऑटोमेटिक मशीन में डाल दिया जाता है। सबसे पहले 2 कटर्स की मदद से वायर को कट किया जाता है और नुकीली शेप दी जाती है, ताकि ये दीवार में आसानी से घुस सके। और इस मशीन में मौजूद एक प्रेस की मदद से फिर इस वायर का हेड बनाया जाता है। और ये सारा अमल बहुत ही स्पीड से होता है। पहले हेड बनता है और फिर वो वायर आगे आती है, जिसको 2 कटर कट करके नुकीला कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हैं।
आपको बता दें कि कील बनाने वाली फैक्ट्री साल में तकरीबन 25 मिलियन कील बनाती है और ये मशीन एक मिनट में तकरीबन 200 कील तैयार कर लेती है। अब बारी आती है इनको पॉलिश करने की, जो कि एक ऑटोमेटिक कन्वेयरिंग मशीन की मदद से की जाती है। यहाँ पर इनको एक खास लिक्विड की मौजूदगी में एक रोटेटिंग ड्रम की मदद से इनको अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है, जिससे इन पर खास तरह की शाइन आ जाती है और ये जंग से भी महफूज रहते हैं। अब ये कील बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आप अपने घर में जब भी कील का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा कि ये कील आखिर कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों, इस आम से नजर आने वाले कील को फैक्ट्री में किन किन मरहल से गुजरना पड़ता है ये आपको पता चल गया है। पैनाडॉल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पैनाडॉल, पैरासिटामोल, डिस्प्रीन, इन सब टैबलेट्स में जो चीज मुश्तरिक होती है उसे एस्प्रिन कहा जाता है। एस्प्रिन की लो डोज से हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचा जा सकता है और इसकी हाई डोज में इसका इस्तेमाल ज्यादातर सर दर्द, बदन दर्द, बुखार और जोड़ों के दर्द में किया जाता है और ये अपना असर 30 से 60 मिनट्स में दिखाती है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ आरजी तौर पर आराम के लिए होती है, इसके मुसलसल इस्तेमाल से बहुत से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और पैनाडोल 80 से ज्यादा मुमालिक में दस्तयाब होती है, जिनमें से पाकिस्तान और इंडिया भी है। इसमें क्या क्या और कितनी मिकदार में डाला जाता है ये कंपनीज के अलावा किसी को नहीं पता, ये उनका एक ट्रेड सीक्रेट है। कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो उस इंसान को डॉक्टर मेडिसिन के तौर पर कैप्सूल भी लिख कर देते हैं। दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ये कैप्सूल हर एक इंसान ने लाजमी खाया हुआ है। शायद ही ऐसा कोई इंसान है जिसने कभी भी कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं किया हो। लेकिन दोस्तों, आप ये बात जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि इस कैप्सूल को बनाने में खंजीर और दूसरे जानवरों के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कैप्सूल का जो कवर होता है वो देखने में प्लास्टिक का लगता है, लेकिन दोस्तों ये कवर जेलेटिन से बना होता है। जेलेटिन बनाने का एक वाहिद और सस्ता रास्ता जानवरों का गोश्त ही होता है। इस जेलेटिन को बनाने के लिए जानवरों के गोश्त का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो इन जानवरों के खून और इनके जोड़ों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज को उबालकर इस जेलेटिन को हासिल किया जाता है। और ये सारा अमल फैक्ट्री के अंदर ही होता है। जेलेटिन का अपना कोई जायका और खुशबू नहीं होती। जेलेटिन दो तरह की होती है, पहली जो कि दरख्तों से हासिल की जाती है और दूसरी गोश्त वगैरह से। दरख्तों से हासिल की जाने वाली जेलेटिन काफी महंगी होती है। इस तरह की जेलेटिन वाले कैप्सूल 4 से 5 गुना महंगे होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला कैप्सूल जानवरों की जेलेटिन से तैयार किया गया है? इसका एक आसान तरीका है कि जिस भी कैप्सूल के पैकेट के ऊपर हार्ड जेलेटिन लिखा होता है और वो कैप्सूल जानवरों के खून और गोश्त से ही तैयार किया होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।